कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गया क्या? लगाते रहो। लगाते अजय साहेब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अजय साहेब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अजय साहेब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अजय साहेब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद। विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद। जिंदाबाद। विश्व हिंदू परिषद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारे साहेब को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। सनातन हिंदू परिवार की नाबालिग मीडिया साक्षी के जिहादी साहिल को तत्काल फांसी का लगाए जाने की सूचना। हिंदू परिषद जिला बैड़ी प्रखंड नवाऊ से हम दिल्ली जैसे संवेदनशील एवं सुरक्षा की दृष्टि से अति सुरक्षित माने जाने वाले राज्य में दिनांक 28 मई 2023 दिन रविवार को रात्रि में हुई सनातन हिंदू परिवार की बेटी साक्षी रेड्डी के हत्याकांड के संबंध में इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं एवं मांग करते हैं। देश की सुरक्षित माने जाने वाली राजधानी में बेखौफ होते असामाजिक तथ्यों में लगता है कि अब दिल्ली पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। ये कि आए दिन बढ़ती हुई लव जिहाद की घटनाएं और उससे आगे जाकर उस प्रयास में असफल रहने पर सरेआम लड़की की चाकू से गोद कर एवं पत्थरों से बार बार प्रहार कर सर कुचल कर गुरु हत्या करने की घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि अपराधियों को कानून, पुलिस और सुरक्षा बलों का भय समाप्त हो गया है। ये कि यदि श्रद्धा के हत्याकांड के हत्यारों को फांसी पर लटका दिया होता तो आज शायद इस समाज को ये शहर जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की घटनाओं को दोहराया ना जाता। ये कि सनातन हिंदू परिवार की बिटिया साक्षी रेड्डी के हत्यारे शाहिद को तत्काल फांसी की सजा सुनाई जाए जिससे समाज में कानून और न्यायपालिका का भी भय रह सके। अतः विश्व हिंदू परिषद आपसे दोबारा निवेदन करता है कि समाज की शांति के लिए उचित से उचित कार्रवाई कर इस क्रूर व्यर्थ पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इस हत्यारे को फांसी पर लटकाकर समाज को एक सकारात्मक संदेश से अवगत कराएं कि शासन प्रशासन किसी के भी द्वारा करी गई इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए, क्या मामला है, किस काय का ज्ञापन? ये मामला जो दिल्ली में एक हमारी बहन की एक हत्या हुई साक्षी रेड्डी की, और उसमें जो हत्यारा साहिल है उसकी हम फांसी की मांग करते हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद जिला बहेड़ी ना, और हम लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर इसी बात की मांग करने के लिए आए हैं कि उसको फांसी हो। ज्ञापन किससे संबंधित? इसी चीज़ के लिए संबंधित है कि साक्षी रेड्डी की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या करी गई, और उसके बाद अपराधी वहां पे अभी भी पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन हम उसकी फांसी की मांग करते हैं। ज्ञापन किसको दिया? ज्ञापन हमने एसडीएम महोदय को दिया है। क्या आश्वासन दिया? हमने एसडीएम महोदय को दिया है और माननीय वहाँ पे उप राज्यपाल दिल्ली के लिए संबोधित करते हुए दिया। जिलाध्यक्ष जानना चाहेंगे, आज आप ज्ञापन देने आए हैं, इससे संबंधित ज्ञापन? ये दिल्ली की जो बिटिया है साक्षी रेड्डी, उसकी जो निर्मम हत्या की गई है साहिल के द्वारा, जिहादी साहिल के द्वारा, उसकी हम लोगों ने मांग की प्रशासन से कि उसको फांसी की सजा दी जाए। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे सनातन धर्म की बिटियों को लगातार ही टारगेट किया जा रहा है, या तो लव जिहाद के हिसाब से या फिर उन लोगों को क्रूर हत्या के माध्यम से। यहाँ भी आपने देखा होगा, भी आप सभी ने पत्रकार महोदय देखा होगा कि ये जो जिहादी साहिल है इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है और गले में ये रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये झूठ बोल करके सनातन धर्म की बेटियों को फंसाना है, बहकाना है और उनको जालसाज में फांस करके यदि
वो लव जिहाद का शिकार नहीं बनती हैं तो उनकी क्रूर हत्या कर दी जाती है। तो प्रशासन से, उप राज्यपाल महोदय दिल्ली से हमारी ये मांग है कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है और क्यों इस तरह की लगातार घटनाएँ हो रही हैं, जो कि दिल्ली एक बहुत ही हमारी राजधानी का क्षेत्र माना जाता है ये, जिसमें इस तरह की घटनाएँ एकदम से अशोभनीय हैं और नहीं होनी चाहिए और बार बार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा था श्रद्धा और साप्ताब का कांड हुआ था। यदि श्रद्धा और आफ्ताब के कांड को फांसी के माध्यम तब्दील कर दिया जाता, यदि आफ्ताब को फांसी दे दी जाती तो शायद ये घटना दोबारा से नहीं होती। यही हमारी मांग है प्रशासन के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए भी हम लोग ये ज्ञापन को सौंपेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः विराम लगाया जाए। और इसका एक ही तरीका है, जब तक हम इस तरह के असामाजिक तत्वों को फांसी की सजा नहीं देंगे तब तक इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः विराम नहीं लगेगा। जय श्री राम। जी, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए बस यही संदेश है कि यदि मिल जाए तो चौराहे पर उनको मार मार करके कूट कूट कर समाप्त कर दिया जाए। यदि परमिशन मिल जाए जनता के लिए तो चौराहों को ईंट पत्थरों से जब तक इनको नहीं मारा जाएगा तब तक नहीं लगता कि ऐसे लोग जो हैं। लेकिन एक संविधान है और संविधान के हिसाब से नियम चलना चाहिए, कानून चलना चाहिए। कुछ समय पहले भी आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल की एक बेटी को चार जिहादियों ने उसका बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया। इससे पहले आप देखा तमिलनाडु में, केरल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा राजस्थान में एक व्यक्ति का गला काट कर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं तभी संभव है जब इस तरह के व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। अभी एक मूवी आई था केरला मूवी, जी जी जी, मूवी को लेकर क्या संदेश देना? बिल्कुल, द केरला मूवी जो है वो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की, भारत की प्रत्येक बेटी को देखनी चाहिए। उसे कहीं ना कहीं उसको एक सीख मिलेगी, उसको ही सीख नहीं मिलेगी बल्कि उसके माता पिता को भी सीख मिलेगी। हिंदू सो रहा है, सभी लोग जानते हैं हिंदू जागृत नहीं है, हिंदू सो रहा है। वो तभी जागता है जब द कश्मीर देखेगा या फिर द केरला देखेगा। और जब जाग जाता है तो वो सोया हुआ शेर है, और जब वो जाग जाएगा तो वो क्या करेगा ये बहुत अच्छी तरीके से विरोधी जानते हैं, विरोधी बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन वो एक साइलेंट होता है कि सनातन धर्म की संस्कृति में ऐसा नहीं सिखाया गया है कि इस तरह की घटनाएं वो करें या इस तरीके से आतंकवाद मचाया करके वो भारत में रहे। वो शांतिपूर्वक रहना जानता है इसीलिए शांतिपूर्वक रह रहा है। इससे पहले कि जो सनातन धर्म है वो पूर्णतया जाग जाए, इस तरह की घटनाओं को पुलिस प्रशासन के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल महोदय के द्वारा, दिल्ली के द्वारा इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए और उसको पूर्णतया विराम लगाना चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुई थी दिल्ली वाली और लोग आ जा रहे थे वहाँ पर, उनके सामने हत्या हुई, मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि हिंदू सो रहा है, इसी बात को लेकर के मैंने आपका हिंदू सो रहा है। यदि हिंदू जागृत होता तो शायद उस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। वहाँ पे अगर लोग ऑब्जेक्शन उठा लेते, बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि यदि वो लोग वहाँ जागृत होते और उसको रोकना चाहते तो शायद आज एक बेटी जो है वो इस तरह से क्रूर हत्या के बीच में शिकार नहीं बनती और शायद हमारे बीच में होती। 16 साल की एक नाबालिग बेटी को इस तरीके से मार देना, क्रूर हत्या जैसे कन्वर्ट करना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जिहाद का ही आलम है और जिहाद से रुचा हुआ पूरा खेल है ये। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।